नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। खबर है इंदौर मध्य प्रदेश से। पश्चिम एवं मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोटी ने रतलाम मंडल के इंदौर रेलवे स्टेशन और कोचिंग डिपो इंदौर का निरीक्षण किया। महाप्रबंधक ने इंदौर स्टेशन के निरीक्षण के दौरान स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का जायजा लेकर उन्होंने वेटिंग हॉल, अल्ट्रा मेडिकल सेल्फ चेक प्लस कियोस्क, सीसीटीवी कंट्रोल रूम और अन्य यात्री सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। इंदौर रेलवे स्टेशन के एक दिवसीय दौरे पर जीएम लाहोटी ने कोचिंग डिपो इंदौर में विभिन्न क्वालिटी यूनिटों और अनुरक्षण कार्यों का निरीक्षण करके अधिकारियों के साथ मंडल के अंतर्गत चल रहे विभिन्न प्रोजेक्टों और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी कार्यों को शीघ्रता से करने के निर्देशित किए। प्रेस से चर्चा करते हुए अनिल कुमार लाहोटी, जो कि पश्चिम एवं मध्य रेलवे के महाप्रबंधक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। इंदौर स्टेशन रीडेवलपमेंट के लिए आइडेंटिफाइड है पहले से, और इंदौर स्टेशन का काम IRSTC को दिया गया था। उन्होंने कंसल्टेंट भी अपॉइंट किया था, कंसल्टेंट ने कुछ कंसेप्ट प्लान इसके बनाए थे और उनके ऊपर डिस्कशन चल रहा था जब ये कंसेप्ट प्लान बनाए थे। लेकिन इसी बीच में रेल मंत्रालय ने IRSTC को बंद करके जो IRSTC के काम हैं वो या तो RLDA को या जो रेलवे है उसको सौंपने का निर्णय लिया है। और उसके बारे में रेलवे बोर्ड स्तर पे, चूंकि ये स्टेशन डेवलपमेंट के काम काफ़ी समय से किसी न किसी कारण से उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो एक एक स्टेशन के प्रस्ताव की डिटेल में समीक्षा करने के बाद में वो निर्णय ले रहे हैं। तो अभी इंदौर स्टेशन का हमें डिसीजन प्राप्त नहीं हुआ रेल मंत्रालय से। जैसे उसका डिसीजन प्राप्त होगा तो जहां तक उसमें काम हुआ उससे आगे इस पर कार्यवाही की। प्रेस से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि हाल के बजट में मंडल में चल रहे प्रोजेक्ट्स को उचित फंड दिया गया है। इसके चलते दाहोद इंदौर नई लाइन, महू खंडवा गेज कन्वर्ज और अन्य रेल परियोजनाओं को गति मिलेगी और जो भी कार्य लगातार चल रहे हैं वो सभी प्रोजेक्ट्स अपने समय अनुसार पूरे किए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।